जानकारी मिली है कि खातेगांव में जो हमारे पूर्व भारत सरकार के विदेश मंत्री सुषमा जी का सपना था, आपका भी प्रयास था लगातार, खेल प्रतिभाओं के लिए यहाँ स्टेडियम की बहुत लंबे समय से कमी थी, आपके विधानसभा चुनाव के समय आपने जनता से वादा किया था, हमें जानकारी मिली है कि वो वादा आपका पूर्ण होने जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, खातेगांव में और हमारे क्षेत्र में खेल की असीम संभावनाएं हैं और खेलों के क्षेत्र में पिछले 8-10 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में हुई है और इसलिए जिस आबादी के लिहाज से खातेगांव बड़ा नगर है, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की निहायत आवश्यकता थी। हमने इसके लिए प्रयास किया था। सुषमा स्वराज जी का भी ये सपना था कि खातेगांव को एक अच्छा स्टेडियम मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने जिला प्रशासन से जमीन आवंटन की मांग की थी। नेशनल हाईवे पर हमको जमीन प्राप्त हो गई थी, नगर पंचायत को इसका स्वामित्व मिल गया था। तब से हम लगातार प्रयास कर रहे थे क्योंकि लागत करोड़ों में इसके निर्माण में आनी है, इसलिए इसकी तकनीकी स्वीकृति हमको नगरी प्रशासन विकास विभाग से प्राप्त हो चुकी है। अगले 2-4 दिन में इसके टेंडर लगेंगे और टेंडर लगने के बाद विधिवत भूमि पूजन करके इस स्टेडियम के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इस स्टेडियम के बनने से खातेगांव को एक सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम प्राप्त होगा, साथ ही साथ उसके माध्यम से नगर में खेल प्रतिभाओं का खेल के क्षेत्र में विकास तो होगा ही होगा, लेकिन नगर पंचायत को भी एक आमदनी का और एक अच्छा बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए एक परिसर उपलब्ध हो सकेगा। दूसरी पारी का आपका सबसे बड़ा विकास कार्य खातेगांव नगर में होने जा रहा है, कैसा महसूस आप? निश्चित ही खातेगांव में हमें और भी कई सारे विकास कार्य करना है और समय समय पर अब चूंकि शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में है, इसलिए विकास के मामले में किसी तरह के धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हम सबका प्रयास है कि खातेगांव विकास के मामले में अव्वल नंबर पर पहुंचे। जहां तक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की बात है तो हमारी कई सारी योजनाएं, जो समूह पेयजल योजना है, किसानों को लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से जितने गाँव हमारे अभी छूटे हुए हैं उन सबको, और केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय, ये भी कुछ चीज़ें मुझे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए और प्रमुखता के साथ लेकर आना है। जहाँ तक बाईपास का सवाल है तो कन्नौज और खातेगांव दोनों के बाईपास स्वीकृत हो चुके हैं, जल्दी भूमि का अधिग्रहण करके बाईपास का निर्माण कार्य भी हम शुरू करवाएं।